गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 5 और हम लेकर आए हैं सुरमई होली। आज सुबह से लेकर शाम तक आपने बहुत सारे रंगों के साथ होली खेली है। अब बात आ गई है कुछ म्यूजिक होली की। सुबह से जब रंग आप खेलते हैं तो उसके साथ आप गाने भी प्ले करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आप डीजे प्ले कर चुके हैं, सब कुछ प्ले कर चुके हैं, क्या बात है अगर होली भी रेडियो पे गाई जाए और सुनाई जाए। और इस पूरे प्रोग्राम को लेकर हम आपके साथ आ गए। मेरे साथ हैं रिया। होली बहुत बहुत मुबारक। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ रिया, जैसे कि आप सब जानते हो। एंड यस, जैसे कि नरेश ने आप लोगों को बताया, आज हम सुरमई होली मतलब म्यूजिकल होली लेकर आए हैं। सो रंगों से तो आपने खेल ही लिया होगा, अब आप सुर वाली होली देखना। बिल्कुल, सुर वाली होली जो हमने आपको अभी भी दिखाई और उसमें पता चल गया होगा कि जो आज हमारे साथ एक म्यूजिकल ग्रुप है, स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप हमारे साथ, उसके 3 मेंबर्स हैं, 2 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हमारे साथ आए हुए हैं और 1 उनके सिंगर हमारे साथ हैं और ये बिल्कुल आपके साथ रहेंगे 1 घंटे तक। और पूरी आपको आज हम अलग कोशिश करेंगे पूरे नॉर्थ इंडिया में जो एक होली गाने का जो रिवाज है, एक जो प्रथा कह लीजिए या रीति कह लीजिए, कुछ भी कहिए, बड़े बहुत लंबे सदियों से चली आ रही है और लोग होली खेलते नहीं हैं, होली गाते भी हैं और बड़ा लंबा इतिहास है इसका, उस बारे में मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी लोगों के साथ बात करेंगे। जल्दी से रिया, क्यों ना इनका इंट्रोडक्शन करा दिया जाए अपने लिसनर्स के साथ। हाँ जी बिल्कुल, तो आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में कुछ बताइए, हमारे लिसनर्स आपके बारे में जान पाए। बिल्कुल, वीरेंद्र है हमारे साथ, वीरेंद्र यादव, जो इस स्वरांजलि ग्रुप म्यूजिकल ग्रुप है उसके बारे में। वीरेंद्र, थोड़ा सा बताएं हमारे सुनने वालों को अपने बारे में। जी हाँ नरेश, सबसे पहले तो रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को नरेश और रिया समेत होली की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। आप सब ने पूरे दिन होली की मस्ती की, रंग गुलाल से खेला और अब हमें रेडियो उड़ान पे आने का अवसर मिला है। स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप अभी हाल ही में हमने शुरू किया, 2012 में शुरू किया। स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप हर तरह के कार्यक्रम करता है, चौकी, माता की चौकी, साईं संध्या, भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ से लेकर भगवती जागरण और फिल्मी ऑर्केस्ट्रा, हर तरह के कार्यक्रम म्यूजिकल ग्रुप हमारा करता है। और ये हमारा जो म्यूजिकल ग्रुप है ये स्वतः स्फूर्त भावना से नहीं, जिनके स्वयं में संगीत में रुचि है, क्योंकि हमारे जो कलाकार हैं उन्होंने कोई प्रोफेशनल म्यूजिक की एजुकेशन नहीं ली है, तो अपने स्वयं के प्रयासों से, स्वयं की मेहनत से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए ग्रुप हमने तैयार किया है। और अभी तक हमने काफ़ी सारे कॉलेजेस में भी कार्यक्रम किया है, दिल्ली के बाहर भी किया है, और हमारे एक दो जैसे सुग्रीव है, इसने अभी जयपुर का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन होता है वहाँ से भी पुरस्कृत हो चुका है। रवि जो हमारा बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर है, अभी तो हारमोनियम बजाएगा। तो ये हमारा है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये कि जो हमारे दृष्टिहीन साथी हैं उनको एक मंच पर लाया जाए,
क्योंकि बहुत सारे अब हमारे विद्यालयों में संगीत की स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी है, हम पहले बहुत बात कर चुके हैं, पर फिर भी जो कुछ बचा है उसको एक मंच मिले ऐसी इस भावना के साथ ये स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप काम कर रहा है। तो स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप काफ़ी काम कर रहा है और प्रमोट करने का भी काम कर रहा है, और हमारे साथ वीरेंद्र जो कि प्रोफेशनली म्यूजिक का काम भी करते हैं और उनके बहुत सारे अपने और भी काम हैं जो लगातार वो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। सुग्रीव हमारे साथ अभी इंस्ट्रूमेंट पे हैं, ढोलक के साथ आज सुग्रीव हैं। सुग्रीव थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सुनने वालों को। नमस्कार, मैंने अभी 11th क्लास का एग्जाम दिया जी, स्टडी कर रहा हूं, और मैंने आगे ये सोचा है कि म्यूजिक से ही मैं कुछ आगे करना चाहता हूं। तो कैसे रुझान हुआ, इस ग्रुप में कैसे जुड़े? सर ये ग्रुप शुरू से सबको, मतलब जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनको मौका इस ग्रुप ने दिया है, इसमें पहले भी काफ़ी लोग आए हैं। तो जब मैं यहाँ आया 2015 में इस ग्रुप में आया, तब मैं इस ग्रुप के विषय में सुना, जाना इसको, तब मैं इससे जुड़ा। कोई नहीं, थोड़ा जोर से बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में रवि गुप्ता भी हैं, रवि अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। जी नमस्कार सभी को, सभी को हैप्पी होली सभी सुनने वाले श्रोताओं को। मैं रवि गुप्ता फिलहाल एमए कर रहा हूँ, एमए फाइनल ईयर में हूँ, हिंदी से एमए मेरा चल रहा है, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं साथ साथ म्यूजिक को भी लेके चलूँ एमए के साथ, एजुकेशन के साथ साथ, और मैं आगे भी मतलब म्यूजिक में प्रॉपरली साथ में लेके चला जाता हूँ, म्यूजिक को प्रॉपर लेके साथ चलना चाहते हैं। और वीरेंद्र ने आपको बताया कि बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं, कीबोर्ड की व्यवस्था हमने जानबूझ के नहीं की, हम चाहते हैं कि वो जो फोक म्यूजिक में जो चीज़ें आपको मिलती हैं सिर्फ वही यहाँ पर दी जाएं। तो वीरेंद्र अभी क्या है लिसनर्स को सुनाने के लिए? जी नरेश, क्योंकि हम रीजनल जो नॉर्थ इंडिया की होली है उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं पहले सबसे पहले एक धमार आपके सामने रखूँगा, और धमार से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो एक छोटा सा जो होली का जो परिचय है। हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा बिल्कुल जी जी। ब्रिज में हरी होरी मचाए, ब्रिज में हरी होरी मचाए, इत से निकली नवल राधिका, उत से कुमार कन्हाई, खेलत भाग परस पर हिल मिल शोभा, अरे शोभा बरनीन जारी घर घर बजता ये इसकी बहुत सारी, ये जब समूह में लोग आते हैं बहुत सारी इसकी लयकारियां होती हैं। और अब मैं आपको एक धमार जिसको कहते हैं जी, मैं आपको वो सुनाता हूँ। ठीक है, कुल धमार सुने आप और इंजॉय करें। हम आपको सुना रहे हैं आज स्वरमयी होली, जो होली गाने का एक रिवाज है नॉर्थ इंडिया में। रेडियो 9 पे आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक, सीजन 5 का प्रोग्राम चल रहा है ये, और स्पेशल होली स्पेशल लेकर आए हैं स्वरमयी होली, रंगों के साथ आपने होली खेल रही है। अब बारी है कुछ गानों की, और वीरेंद्र आपको बताएंगे बीच में कि मेरे ख्याल से होली जो गाने का रिवाज है बड़ा लंबा है, कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन ही गाया जाता है, होली के कई दिन पहले से और शायद होली के कुछ दिन तक बाद तक भी। बसंत पंचमी का जो माघ पंचमी जिसको हम
सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं जी। तो गांव में क्योंकि फसल की रखवाली का समय होता है तो लोग खलिहान में, जो पुरुष समाज है गांव का, वो सारा का सारा रात में खलिहान में चला जाता है। तो बसंत पंचमी के बाद ये गांव में परंपरा है कि 3-4 घंटे की होली रोज वो करते हैं खलिहान में या किसी के द्वार पे। और इसमें ये बिल्कुल आज तक, यानी कि जब हम होली मना रहे हैं, बसंत पंचमी से लेकर के होली तक चलता है ये। अच्छा, तो इतनी लंबी परंपरा है। बहुत लंबी परंपरा है। तो चलिए एक धमाको सुना रहे बिंद्र आपको। रसिया घन श्याम होरी खेले गोपियन से, सुनके बहुत अच्छा लगा धमार सुनके। एंड पहले तो मैं आप तीनों को बोलना चाहती हूँ दैट आप तीनों के बारे में सुनके बहुत अच्छा लगा कि आप लोग म्यूजिक के, यानी जितना डेडिकेशन म्यूजिक को देके रखा है, आप एकेडमिक एजुकेशन भी अपना ले रहे हो साथ में पढ़ाई एंड ऑल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनके। एंड जैसे कि वीरेंद्र जी ने बताया पहले, इन लोगों को सुनके कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी रेडियो उड़ान का अभी कोई भी लिसनर नहीं कहेगा कि किसी ने भी इन लोगों ने स्पेशल, यानी इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं लिया है प्रोफेशनली। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्ले किया, अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया।
ऐसा लगे कि इसमें कुछ आवाज़ या कुछ वैसा जो सब कह रहे थे कि ये सब अपनी तैयारी कर रहे हैं मेहनत से, और इतना बढ़िया प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि रिया अभी कुछ देर पहले राजस्थान से होकर आई हैं, उनको भी कहीं उन्होंने ऐसा ही म्यूज़िक सुना होगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और MP सब जगह पर होली गाने का रिवाज है और सब लोग इस होली से जुड़े हैं, और होली सो हम सुबह से खेल रहे हैं आज। इन लोगों ने भी आज होली खेली है, वीरेंद्र ने सुबह से होली गाई है, सुबह भी गाई थी, कल रात को भी गाई है, कहीं कहीं पे पता चलेगा कि इन्होंने कई दिनों से होली गाई है वो आपको पता चलेगा। वीरेंद्र, कुछ खास बात है होली में कि होली इतना ऐसा त्यौहार है जो एक तरह से सब लोगों को जोड़ देता है कहीं ना कहीं पर? बिल्कुल नरेश, क्योंकि होली में जो संगीत का जब सम्मिश्रण हो जाता है तो संगीत के कारण, और संगीत उसको एक आकर्षकता प्रदान करता है। अगर सोचिए कि अगर होली में गायन की परंपरा ना हो तो क्या रह जाएगा इसमें, सिर्फ लोग करर लगाएंगे, ये उतना शायद रोचक नहीं हो पाएगा, तो संगीत से इसमें रोचकता आती है। हालांकि अब थोड़ा सा ये दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब होली में वो चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक तो जिस तरह से लोगों की अपनी एक लाइफ स्टाइल बनी है जिसमें समय का अभाव, बाकी चीज़ें हैं, तो जो बाकी जो हम हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं बाकी उन पर जो असर पड़ रहा है वो होली पर भी पड़ रहा है। अब लोग इस तरह से बहुत कम ऐसे गांव होंगे जहां पे महीने भर की होली गाई जाती है, और जहां पे हैं भी वो इस तरह की पारंपरिक होली गाई जाती है। अब तो आप कहिए कि फूहड़पन, अश्लीलता बहुत ज़्यादा आ गई है, श्रृंगार तो रहा ही नहीं, श्रृंगार के नाम पे आपको होली में भी अब विभत्स परोसा जा रहा है, तो ये स्थितियां हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी भी होली से मैं चाहे कैसा भी किसी के कैसे भी संबंध रहे हों, लेकिन अगर होली हो रही है, वहाँ पे होली खेली जा रही है, तो सब कुछ भूल करके लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये वीरेंद्र जो बता रहे हैं कि किस तरह से आजकल होली का रिवाज है। अब सुग्रीव से भी पूछ लेते हैं। सुग्रीव, वैसे आप हैं कहाँ से, किस रीजन से हैं, और वहाँ पे होली का क्या रिवाज है? सर, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, और वहाँ मैं बहुत सालों बाद पिछले वर्ष में वहाँ गया जी, बिहार। तो वहाँ तो सर अभी भी जैसे यहाँ बहुत गंदे तरीके से होली खेलते हैं, कुछ कलर बहुत अलग तरीके से, वहाँ अभी भी अबीर वगैरह से ही होली खेला जाता है सिंपली, जैसे पहले कुछ अभी भी खेलते हैं। और बिहार की होली तो फेमस है वैसे भी, बिहार में होली गाई भी जाती है, खेली भी जाती है, सब कुछ होता है। रवि, कुछ याद आ रहा है अपने घर का, कहाँ से हैं आप बता दें हमारे सुनने वालों को जरा। ये यूपी से ही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डीजे में वो बात कहाँ, जो वो बात जो हम चाहते हैं, जिसको आज हम लेकर आए हैं। रेडियो पे आपने अक्सर बीट्स वाले गाने और हर तरह के गाने सुने होंगे, लेकिन जो आज हम आपको पेश कर रहे हैं शायद वो आपको बहुत मुश्किल मिल पाता होगा। कभी रिया कभी सुनने को मिला रेडियो पे कोई ऐसा प्रोग्राम जो आज हम अभी कर रहे हैं फिलहाल? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगी, इन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज कलर से मुझे एक्चुअली एलर्जी है, तो मैंने तो पूरे दिन से बिल्कुल भी यानी होली नहीं खेली है, बिल्कुल भी यानी होली में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। सो मुझे तो यही लग रहा है कि अभी बनी है मेरी तो होली इन लोगों को सुन के। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होली नहीं खेलते हैं फिर बहाने बनाते हैं, जैसे रिया कह रही है कि इनको। नहीं नहीं जी नहीं, मैं बहाने नहीं बना रही। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गर्मियों में भी पानी से डरते हैं, सर्दियों में पानी से डरना समझ में आता है। वीरेंद्र, कुछ भोजपुरी का सुनाने वाले हैं, क्या सुनाएंगे आप? जी नरेश, हाँ मैं भोजपुरी का सुना रहा हूँ, इस बात में थोड़ा सा जी यहाँ जो बैठे हैं हम तीनों, इस बारे में थोड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा संबंध जिस विद्यालय से है वहाँ पर अभी भी, इस विद्यालय में अभी भी पारंपरिक तरीके से होली मनाई जाती है। और जब मैं आपके सामने रेडियो पर बैठा हूँ, मेरा गला बता रहा होगा कि हमने कितना आज पूरा जो है दिन हमने होली गाई, कल भी जो होली वहाँ पे जलाई गई जिस तरह से होली जलाते हैं, और उसके बाद जलाने के बाद जो पारंपरिक होली के गीत होते हैं जलाने के, वो सब हुए वहाँ पे जी। और इससे पहले भी लोग, जैसे मैंने कहा कि गांव में आयोजन करते हैं, यहाँ पे लोग रूम में रहते हैं, यहाँ पे रूमों के आयोजन होते हैं होलियों में,
तो अभी इस मामले में ठीक है यहाँ पे चीजें तो बिल्कुल जो वीरेंद्र बता रहे हैं, एक पूरी दिल्ली में यानी कि कैपिटल सिटी में एक ही स्पेशल स्कूल है जो गवर्नमेंट रन करती है, G SSS BB, उस विद्यालय की बात हो रही है जहाँ पे अभी भी हिंदुस्तान के हर कोने से लगभग स्कूल में विद्यार्थी आते हैं और अपनी एजुकेशन लेते हैं, और वो जो सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं और उसके बाद जो सब म्यूज़िक का संबंध सबके साथ होता है, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो मैंने देखा है कि यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक होली गाई जाती है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सब जगह लोग अपनी ढोलक या जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके पास है उसको लेके घूमते हैं, एक झुंड में होते हैं, एक साथ होली खेलते हैं और होली गाते भी हैं। और उससे एक दिन पहले जब होली जलाने का जो एक रिवाज है, जब होली का दहन होता है, उस टाइम पे भी माइक लगा के और बहुत अच्छे से होली गाई और बजाई जाती है। तो एक रिवाज है, और इसी तरह से बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे परंपराओं को निभाया जा रहा है या यूँ कहें कि उनको जीवित रखा जा रहा है। क्योंकि अब जैसा कि आपको बताया, रेडियो पर आपको कॉन्टेस्ट मिलते हैं खेलने को, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और डीजे पार्टीज होती हैं आजकल। अब वो रीजनल लैंग्वेज वाली, अब रीजनल जो एक्टिविटीज़ होती थी वो नहीं रही हैं, अब शो ऑफ ज़्यादा होने लगा है। लेकिन हम शायद इस कुछ वक्त में जो एक से डेढ़ घंटे का हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं आज सुरमई होली, उसमें आपको वो चीज़ दे पाएँ जिसको आप शायद इस शहरों की ज़िंदगी में कहीं मिस कर रहे हैं। तो अब क्या है वीरेंद्र हमारे पास? जी नरेश, मैं आपको एक इसको जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, भोजपुरी भाषा है, उसमें इसको चौताल कहते हैं जी। तो मैं आपको एक चौताल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चले ठीक है, एक चौताल। चौताल मैं कुछ ऐसा, ये सबको समझ में आएगा, ये चौताल ऐसा है। ठीक है, तो वेंदर स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से आपके लिए पेश है चौताल, जो भोजपुरी लैंग्वेज में है और आपके लिए ये पेश की जा रही है यहाँ पे। फागुन भर, क्योंकि होली श्रृंगार प्रधान है तो इसमें नायिका अनुरोध कर रही है कि कम से कम फागुन भर घर में रह जाओ, क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्रीय ये माइग्रेशन को भी ये गीत जो चौताल जो है वो दर्शाता है कि किस तरह से लोग माइग्रेट होकर के काम के लिए होली जैसे त्योहार में भी चले जाते हैं। तो उस पर उसको कह, एक नायिका जो है वो अपने पति से अनुरोध कर रही है कि कम से कम फागुन में पूरे फागुन भर रह जाओ। फागुन भर हे दिलदार, घरे रहो फागुन भर हे, फागुन भर हे दिलदार, घरे रहो प्यार, फागुन भर हे, फागुन भर हे दिलदार, घरे रहो प्यार, घरे रहो प्यार, घरे रहो प्यार, फागुन भर हे दिलदार, घरे रहो अब
होते हैं और चारों की अपनी एक लयकारी है। अभी इसका एक चरण हुआ है। ढोल मंगाई देव हम तो हके देव सवाई न भरे। मैं तुम्हारे लिए ढोल मंगवा दूंगी, नगारे मंगवा दूंगी, तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा, लेकिन घर में ही रहो। ढोल मंगाई देव हम तो हके देव सवाई न भरे। देव सवाई नगारे हो प्यारे देव सवाई न गाए ओ प्यारे देव सवाई न गाए। ढोल मंगाई देव हम तो हके देव सवाई न गाए ओ प्यारे देव सवाई न गाए। देव सवाई न गाए ओ प्यारे देव सवाई न गाए। ढोल मंगाई देव करेंगे। रंग अबीर पकवान घर भरे, 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 कर में धर देव तुम्हारे, कर में धर देव तुम्हारे, घर रहो कर में धर देव तुम्हारे, घर रहो प्यारे, घर तो बिल्कुल ये है चौताल जो आपने सुनी भोजपुरी में। और अगर इससे बढ़िया आपने कोई आज को सुना हो, अगर जो कम से कम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली मुंबई या चेन्नई कोलकाता, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और उनमें उनमें आपने ऐसा कुछ कहीं पर सुना हो, तो बिल्कुल हमें मैसेज करें। हमारे स्काइप आई डी रेडियो RADIO UDAA 9015173846 इस नंबर पर हमें छोटी सी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आप अपनी बात बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है और कैसी ये जो जो रीजनल लैंग्वेज की जो हम आपको एक सुरमई होली देने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिवाज है होली गाना, सिर्फ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इन सब से, जो जैसा कि वेंदर ने बताया कि ये जो श्रृंगार की एक चौताल जी, जिसमें क्या क्या चाहिए और क्या कर सकता है एक पार्टनर आपके लिए, वो सब उसमें उन्होंने बताया। रिया, क्या मज़ा आ रहा है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रिया हमारे साथ, थोड़ा इनको गुजराती ज्यादा समझ में आती है, अहमदाबाद से। नहीं नहीं, मैं वैसे अहमदाबाद से हूँ, बट आई एम राजस्थानी, सो हाँ समझ में तो आया, बिल्कुल समझ में आया। एंड ऐसी ऐसी चीजों से रूबरू हुए हम भी और लिसनर्स भी, जो आज तक कभी भी नहीं सुना, जैसे कि हमारे साथ सुरमई होली में जुड़े हुए हैं सुग्रीव जी, रवि जी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वीरेंद्र जी, है ना? बिल्कुल, तीनों, तीनों है।
बहुत अच्छे से उन तीनों ने ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है अपने ग्रुप को. सो आई विश कि उन लोगों का ग्रुप बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो. एंड रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से गुड लक आप तीनों को बहुत ज्यादा. एंड जैसे कि आप सब जानते हैं, उन्होंने आज हमें नया नया सुनाया, जैसे पहले धमाल एंड उसके बाद अभी क्या था, चौताल, है ना? बिल्कुल, पहले धमाल सुनाया, उसके बाद चौताल, और अभी उनके पिटारे में बहुत कुछ है हमारे लिए. शायद ये वक्त कम पड़ जाएगा, उनका पिटारा खत्म नहीं होने वाला, और ये देखने वाली बात है कि हम उनसे कितना आज ले सकते हैं. और बिल्कुल रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से, आप हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी हमको इस टाइम इस वक्त सुन रहे हैं, तो हम सब बहुत दुआएं देते हैं और ये विश करते हैं कि इनका ग्रुप स्वरांजलि जो ग्रुप है, म्यूजिकल ग्रुप है और हर हर तरह के प्रोग्राम करता है, ये उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचे जितना ये लोग चाहते हैं. कहते हैं कि इनकी विशेष भी पूरी होनी चाहिए. और तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि और भी उनके साथ कुछ ऐड करें. और वीरेंद्र अभी और हमारे साथ क्या है? जी नरेश, मैं चाहता हूं कि एक जो विशुद्ध जो होली ब्रज की तरफ की, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको करने की कोशिश करूंगा. बिल्कुल, वीरेंद्र हमको कुछ सुनाने वाले हैं. शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं. शैलेंद्र अगर आप हमारे साथ हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में. बहुत बहुत धन्यवाद. शैलेंद्र कैसा लग रहा है ये हमने सुरमई होली अरेंज की आपके लिए आज? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, ये अहिरा आया है, इसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही. तो वीरेंद्र बिल्कुल यहाँ पर है और वीरेंद्र क्या सुनाएंगे आप? होली कैसे खेलूंगी मैं, होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग रंग में, होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग रंग में, होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग रंग. तो ये बिल्कुल एक तो यहाँ पे आप सुनिए, आपने एक ब्रिज की होली, जो आपको अलग अलग जगहों की होली हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह से आप कुछ कुछ सुन पाए. और शैलेंद्र कुछ मन कर रहा है कुछ सुनाने का, कुछ कभी कभी कुछ लिखा हो तो? दो लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ. जो लिखा कि हकुनी बयार का बहार लूटने के लिए गोपियों के संग कृष्ण धरती पे आ गए, हकुनी बयार का
बहार लूटने के लिए गोपियों के संग कृष्ण धरती पे आ गए। मारी पिचकारी रंग डारे पर पारी आज होके सरा बोर एक दूजे में समा गए। रंग 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 चहु और अंग अंग में अनंग ऋतु राज शर्मा गए। रंग 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 चहु और अंग अंग में अनंग ऋतु राज शर्मा गए। और होली के बहाने तन रंग मन रंग डारे सांवरे सलोने कृष्ण छा गए तो छा गए। जी होली के बहाने तन रंग मन रंग डारे सांवरे सलोने कृष्ण छा गए तो छा गए। ये बिल्कुल शैल ने चार लाइनें सुनाई और अभी तक आप बहुत सारा कुछ सुन रहे हैं हमारे साथ। आपको भोजपुरी मिला और अभी आपको चौताल सुन चुके हैं, धमार हमने सुन लिया जिससे हमने शुरुआत की थी, उसके साथ अभी ब्रिज की बात हो चुकी है और अभी क्या है स्वरांजलि के पिटारे में वो जरूर देखेंगे। शैलेंद्र ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई डिमांड हो इनसे अगर कुछ सुनना चाहते हो? डिमांड है वो सुनाइए, वीरेंद्रा आया है वो सुनाओ। कौन सी डिमांड है शैलेंद्र? क्या सुनना चाहते हैं? मोरे ही में बसे रंगपाल, रंगपाल पाल सुनाए वो रंगपाल। चलिए शैलेंद्र चाहते हैं कि रंगपाल सुनाया जाए, वीरेंद्र थोड़ा बताएं रंगपाल क्या है? मोरे ही में बसेला रंगपाल जी शैलेंद्र। तो क्या है वीरेंद्र ये रंगपाल क्या है? रंगपाल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसका जो गोरखपुर देवरिया का जो इलाका है जी, वहाँ पे जैसे हम लोग म्यूजिक संगीत सीखते हैं तो ख्याल गायकी में दो नाम आते हैं अदा रंग और सदा रंग, दो भाइयों जी बिल्कुल दो, उन्होंने बंदिशों की रचना की है। तो वैसे ही उसी तरह से होली में रंगपाल नाम के एक बुजुर्ग हुए और उन्होंने एक विधा विकसित की, तो उस विधा को उनके नाम पे फिर रंगपाल कहते हैं। तो चलिए अब आप एंजॉय करेंगे रंगपाल, पूर्वी ईस्टर्न यूपी की ये एक विधा है जो आपको सुनने को मिलने वाली है। और आप सुन रहे हैं सब कुछ पूरा हिंदुस्तान या पूरा नॉर्थ इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो भी सिर्फ दिल से दिल तक के सीजन 5 के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में जो आज डेडिकेटेड पूरा होली के लिए, और नाम हमने रखा इसीलिए सुरमई होली क्योंकि इसको पेश कर रहे हैं हमारे साथ स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप जो कि आपको हर तरह की आज कोशिश कर रहा है कि सबको सुनाया जाए। और रिया भी आज बहुत कुछ सुनेंगी यहाँ से क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी कुछ चीजें नहीं सुनी है, रिया ऐसा ही है कुछ? जी बिल्कुल, ये बात तो आप सही बोल रहे हो, पहली बार ये मैं पहली बार का मौका नहीं मिल रहा है, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल शैलेंद्र को गाने का मौका नहीं मिल रहा है, म्यूजिक के साथ उनका भी मन है, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम कॉल है ना, अभी स्पेशली स्वरांजलि बिल्कुल। चलिए आप तैयार है आपके लिए हमारे तरफ से रंगपाल जो शैलेंद्र बाल डिमांड कर रहे हैं और वीरेंद्र और पूरा ढोल पे आज हमारे ढोलक पे हमारे साथ सुग्रीव हैं और रवि गुप्ता जो कीबोर्ड प्ले करते हैं, लेकिन क्योंकि आज होली की बात है तो कीबोर्ड हमने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, हमने उनको कहा कि आप अपने हारमोनियम के साथ ही रहें, वही ट्रेडिशनल है। और एक सिंगर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वीरेंद्र यादव जो आपको सब कुछ सुना रहे हैं, तो रंगपाल अब उनकी तरफ से। गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि उस सांवरे सलोने के बिना कैसे, वो सखी पूछ रही है कि कैसे तुमको चैन पड़ता है। कल मतलब चैन, ए सखी कल कैसे परहेला समरा मोरा
में बसे सखी कल कैसे पड़ेला बिल्कुल ये है रंगपाल जिसकी बात चल रही थी। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम इतना आगे कि अब कुछ और वक्त है हमारे पास, कुछ और वक्त हम जितना हमें अलॉट किया गया उतना ले सकते हैं और वो टाइम हम ले रहे हैं, उसको ज़रूर लेंगे। रिया कुछ याद आया और शैलेंद्र की भी ख्वाहिश पूरी हुई। अभी हमको बताएं थोड़ा वीरेंद्र की ग्रुप किस तरह से ग्रो कर रहा है और ग्रुप का जो एक मोटो है कि लोगों को प्रमोट करना है और किस तरह से आप लोग चीज़ें अरेंज करते हैं, कोई फंडिंग होती है या किस तरह से वो आप लोग अरेंज कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत एक मुश्किल काम है क्योंकि जब हमने ये ग्रुप शुरू किया तो क्योंकि जो आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत महंगे आते हैं जी। एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम अगर आप सामान्य इंस्ट्रूमेंट भी लेंगे तो 50-60 हज़ार के करीब पड़ेगा। और हमने विद्यार्थियों को लेकर के ग्रुप शुरू किया था तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर फिर भी समाज से हमको कुछ सहयोग मिला, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने लिए, कुछ और प्रयास जारी है, देखते हैं इसमें कितने हम सफल होते हैं। फंडिंग की एक समस्या तो है, वो रहती है। तो फंड किस तरह से होता है, मतलब स्पॉन्सर्ड होता है या कुछ कुछ मनी हो जो कुछ इस तरह से आप लोग करते हैं या कुछ डोनेशन वगैरह भी एक्सेप्ट करते हैं? अगर कोई डोनेशन का है या आपकी कोई लोग कुछ लोग अगर मदद करना चाहें इस ग्रुप की, मदद करना चाहें तो कर सकते किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है इस ग्रुप को अगर, या इस ग्रुप से कुछ लोग हमारे म्यूजिक से जुड़े हुए लोग जुड़ना चाहें? मैं चाहता हूं कि जो लोग इसमें अगर गाना चाहते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है जी 9868787835 9868787835। दूसरा नंबर भी है 7827419853 7827419853। तो इस पर संपर्क कर सकते हैं और सहयोग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो इंस्ट्रूमेंट्स को असेंबल करने की होती है कि वो फिर भी चल रहा है, समाज सहयोग कर रहा है, चल रहा है। और वीरेंद्र इसमें ये जो आइडिया है कि उन स्टूडेंट्स को लाया जाए या वो कोई प्रोफेशनल आप कह रहे हैं कि नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा कि हम इनसे हमने शुरू इनसे किया था। और वास्तव में देखिए आज के समय में प्रोफेशनल बच्चे आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि स्कूलों में उस तरह का संगीत सिखाया नहीं जा रहा है। कहीं भी आप चले जाइए अभी भी हमारे स्कूल अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं म्यूजिक में, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं जिसकी आज डिमांड है नहीं। आज आपको आज का जो संगीत है उसकी डिमांड है। तो अब जो लोग अपने स्वयं की इच्छा से करना चाहते हैं कर पा रहे हैं वही आपको मिलेंगे। प्रोफेशन तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, फिर हम इकट्ठा करके कोशिश करते हैं बनाने की।
ठीक है, तो ये इनके ग्रुप की बात है। रिया, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं इनसे? हाँ, बस मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे कि वीरेंद्र जी ने बोला कि स्टूडेंट जो भी यानी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है और लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में, वो उनका कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो आई वांट टू आस्क कि सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स यानी आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं या फिर अनदर सिटीज से भी कुछ? नहीं, अनदर सिटी से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी इतने महंगे प्रोग्राम हमें मिलते नहीं है, फिर उनकी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी आने जाने की। तो अब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि बाहर के लोग नहीं जुड़ सकते, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी तो लो बजट के प्रोग्राम हमें मिलते हैं, तो अगर उनको जो आना है जिनको, अच्छा, यानी आप निकले तो क्या फायदा? बिल्कुल, ये अगर कोई इच्छुक हो, कोई आना चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, और जैसे जैसे ग्रो होगा उनको इनवाइट किया जाएगा। और मेरे ख्याल से एक आइडिया इसमें ये भी हो सकता है कि जब कभी रीजनल, मान लीजिए दूसरी सिटीज़ के भी अगर प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उनको लिया जा सकता है। तो जो लोग पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी अगर आप हो इस ग्रुप से जुड़ना चाहें, उससे ज़्यादा मैं अपील ये करना चाहूँगा जो हमारे श्रोता हैं कि अपने घर में लोग बहुत सारे जन्मदिन के अवसर पर जागरण या कुछ भी कराते हैं, तो अपने ग्रुप को प्राथमिकता दें। बिल्कुल, इनकी अपील है ये कि ये जब भी आप कोई प्रोग्राम करें छोटा सा, तो क्यों ना आप डीजे पार्टी करते हैं, डीजे लगवाते हैं, और कई हजारों के जो डीजे आप लगवाते हैं सिर्फ एक घंटे आधा घंटे के लिए, उनसे अच्छा है कि आप इस तरह के जो असल में जो म्यूजिक है उसको जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन ग्रुप्स को बुलाया जाए, उनकी अर्निंग भी हो। आपको घटना आपको बताना चाहता हूँ, बहुत समझिए। अभी हमें एक अपने मित्र हैं जितेंद्र यादव करके, जब उनके यहाँ जागरण का प्रोग्राम हुआ जी, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया कि वो किसको बुला रहे हैं। तो उसका कारण ये था कि लोगों को ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि जागरण जैसी चीज ब्लाइंड लोग कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ विधियां होती हैं, संपन्न करनी होती हैं, उनको बड़ा लगा कि कैसे करेंगे। फिर जो उन्होंने अपने जो बहुत पास के रिश्तेदार थे उनको बताया, तो उन्होंने बहुत सारी क्वेरीज मुझसे की कि आप ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। लेकिन जब वो कार्यक्रम हुआ तो जितने भी लोग आए थे उस परिवार के, कम से कम 70-80 लोग रहे होंगे, सारे प्रसन्न होके गए। तो ब्लाइंड्स जब तक नहीं बुलाएंगे, नहीं करेंगे, लोगों को देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते, सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल, इस ग्रुप में जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो या म्यूजिकलॉजिस्ट, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सब विजुअली चैलेंज्ड हैं, और इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं जुड़ सकता। अभी तक जो लोग हैं वो विजुअली चैलेंज हैं, लेकिन अभी क्या है, अब हमारे पास कुछ और टाइम है लगभग, वीरेंद्र हम दो चीजें और सुना सकते हैं, तो सेकेंड लास्ट में क्या सुनाना चाहेंगे? एक चहका 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 क्या बिल्कुल अच्छा तो चलिए चहका वीरेंद्र कह रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट में सुनाएंगे। अभी क्या है? अभी मैं आपको, मैं चाहता हूँ कि कुछ बसंत की हम बात कर लें। बसंत का एक मैं वर्णन जो है, कैसे हम अब कैलेंडर से हम देख करके पता लगा रहे हैं, जैसे मैं झूमर का भी थोड़ा सा वो सुनाना चाह रहा था, पर वो भी नहीं। कोई नहीं, टाइम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे अब कैलेंडर देख करके हमको पता लगता है महानगरों में कि बसंत आ गया है, हैं? लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो बसंत कैसे लोग जानते थे जी? तो कैसे हम, मैं सुना रहा हूँ कि कैसे हम पता कैसे करते हैं कि होली आ गई है, ठीक है, बसंत का महीना आ गया है। जब रंग बसंती छा गई लत बुझिया की होली आ गई, जब रंग बसंती छा गई लत बुझिया की होली आ गई, होली आ गई हो आ गई, होली आ गई ले हो आ गई, खेतवन में सरसों पुआ गई लत बुझिया की होली। जब चले समर की पलट पलट जब ताके
पलट पलट जब ताके पकड़ की घूमता में गोरी सर मां गई बुढ़िया की होलिया गई जब रंग बसंती छा गई बुढ़िया की होलिया गई। और क्या पहचान है मस्ती में घूमे लगल लेकिन के टोली चलल झरेला झरेलिया के बोली चलल झरेला झरेलिया के बोली नवहन के मन भंगुआ गईल सन बुढ़िया की होलिया गई सब रंग बसंती छा गईल सन बुढ़िया की चढ़ल बाटे फागुन के पहरा ऐसन चढ़ल बाटे फागुन के पहरा बुढ़ो लगा बुढ़ियो लगा ली हली अखिया में गजरा बच्चे कुछ सभी कैसे होता है बुढ़ियो लगा ली हली अखिया में गजरा बूढ़े मन के मन लल चा गई बुढ़िया की होली जब रंग बसंती अच्छा गई तो बुढ़िया की होली तो ये है जो होली आ गई। पता चलना चाहिए आपको कि कैसे होली आती है भाई। कैलेंडर है हमारे तो अब तो कैलेंडर भी नहीं देखते लोग, इतने आलसी हो गए कि कैलेंडर भी नहीं देखते, अब तो सीधा मोबाइल से ही सब कुछ देखते हैं और जो ना पता चले उसे गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो फिर भी तरीके अभी भी हैं। मुझे याद है कि जब एक वक्त था जब हम कभी देखा करते थे, घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो वक्त कैसे पता चलता था स्कूल के टाइम में, तो दीवार पे कहाँ पे धूप आती है तो 4 बजते हैं और कहाँ पे नहीं आती तो 3 बजते हैं, ये हमने भी नोट किया। लेकिन ये वीरेंद्र ने बताया कि कैसे पता चले आपको कि होली आ गई है, ना आपके पास कैलेंडर हो और ना गूगल हो और ना मोबाइल हो। तो ये एक अच्छी बात है कि किस तरीके से आप चीज़ों को पहचान सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप क्या सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, रेडियो उड़ान पे प्रोग्राम चल रहा है दिल से दिल तक सीजन 5 और हम लेकर आए आपके लिए सुरमई होली, जो आज पूरा शो डेडिकेट है होली के लिए। सुबह से शाम तक आपने कलर्स खेले, बहुत सारे रंग खेले, हर तरह के खेले और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बता नहीं सकते। वो कई बार लोग कीचड़ से होली खेलते हैं, लठमार होली के बारे में आपने सुना है, रंग से होली खेली है, कई बार केमिकल लोग यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं और ना जाने, और कई बार तो इतना कि आप परेशान हो जाएं, एक बार लगता है और कई महीनों तक वो रंग नहीं छूटता, ऑफिस कैसे जाएंगे, काम पे कैसे जाएंगे, वो समझ नहीं आता। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको दी जाए स्वरों की होली, संगीत की होली, जो आपके मन में बस जाए और जिसका स्वाद कभी ना जाए, ऐसा कुछ पेश कर रहे हैं हम आपके लिए। और कोशिश यही कि इसको आप दिल में बसा के रखें और जो चीज़ें, जो रिवाज, जो रीतियाँ या बहुत कुछ जो जुड़ा हुआ है हमारी संस्कृति समाज से, वो जो दूर होता जा रहा है उसको फिर से एक कोशिश की जाए, जागृत किया जाए, उसको फिर से उसको वापस लाया जाए। और इस ग्रुप को आप जब भी अपने घर में कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हो, चाहे आपका कीर्तन हो, जागरण हो, माता की चौकी हो या कोई इसी तरह का कभी भी कोई रीजनल फोक म्यूज़िक पे अगर आप कुछ चाहते हैं तो बिल्कुल इनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं भी जुड़ूंगा इन सबके साथ। तो बिल्कुल शैलेंद्र भी जुड़ेंगे इनके साथ। और कांटेक्ट करने के लिए वीरेंद्र का नंबर है 9868787835, बहुत आसान नंबर है, 9868787835। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप को आप किसी भी तरह के को इनवाइट करना चाहते हैं प्रोग्राम के लिए, आप इनको बुलाना चाहते हैं या आप इनकी किसी तरह से मदद करना चाहते हैं, इस ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, तो इस कॉन्टैक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वीरेंद्र कुछ कहना चाहते हैं आज के बारे में, आज की होली और जो चाहते हैं, जो आप चहका तो बिल्कुल सुनाएंगे, जो होली है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कुछ मन में है कुछ कि आज किस तरह से होली खेली जा रही है और किस तरह का
होना चाहिए था। खेलने की बात तो ठीक है, केमिकल्स लोग यूज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जो प्राकृतिक रंगों की होली है वो खेलनी चाहिए। अभी भी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, जनजाति इलाके हैं, वहाँ पे वो प्राकृतिक रंगों की होली होती है। अभी हमारे वृंदावन में, वृंदावन श्री धाम में जो ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ भी लोग खेलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो होली गायन की जो परंपरा है उसमें जो भाव की प्रधानता है वो समाप्त हो गई है। अब शब्दों की प्रधान, अब शब्दों और वो भी जो जिसको मैं पहले कह रहा था कि वो बहुत फूहड़पन उसमें हावी हो गया है। पहले आपको समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ता था। बातें पहले भी लोग कहते थे लेकिन सलीके से कहते थे, आप उसको परिवार में सुन सकते हैं बैठ करके। आजकल चीजें आ रही हैं जिसको आप परिवार में सुन नहीं सकते, तो थोड़ा सा हमको इस तरफ जाना चाहिए। हमारी बहुत अच्छी चीजें हैं। हाँ नरेश, मैं आप थोड़ा समय दीजिएगा, मुझे याद आ गया कि अभी बिल्कुल प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में होली जब समाप्त की जाती है तो उसके लिए उठान होता है। उठान है नहीं उठना, जो अब हम जहाँ बैठे हैं होली गाने के लिए, यहाँ से हम अब खड़े हो रहे हैं, तो वो उठान भी उसकी भी वो भी एक गायन की विधि है उठान की। तो हम जब चहका करेंगे तो उसके साथ में उठान भी करेंगे। थोड़ा आप समय दीजिएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आज स्पेशल प्रोग्राम है, उसके लिए हमें वक्त जितना जरूरत है और जितनी आवश्यकता है उतना वक्त जरूर मिलेगा। रेडियो डान पे आप प्रोग्राम सुन रहे हैं दिल से दिल तक सीजन 5, और उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। रीजनल फोक म्यूज़िक का एक जो होली को गाने की जो एक प्रथा या रिवाज है उस पे हम आज आपके साथ हैं, और स्वरांजलि म्यूज़िकल ग्रुप को आपके साथ लेकर आए हैं, जो आपके लिए अलग अलग विधाओं के, अलग अलग भाषाओं के या बोलियों के आप कह सकते हैं गीत आपको यहाँ पे सुना रहे हैं। आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। उनको अचानक कुछ और याद आया, जो उठान की जो बात कर रहे हैं कि जब होली का जो गाने का जो रिवाज है जब उसको ख़त्म करें और जब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे तब भी उसके लिए भी कुछ है। एक हमारी संस्कृति, कल्चर और भाषा की अगर बात करें उसके लिए ख़ास बात मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो यही कि हमारे पास हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए शब्द हैं, हर परिस्थिति के लिए गाने हैं, म्यूज़िक है, सब कुछ है। मतलब हमने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो शायद आपको ना मिल पाए। तो चलिए अभी चहका की बात चल रही थी, चहका भी सुनाएंगे और उसके बाद चहका जब ख़त्म होगा, उठान होगा, उसके बीच में मैं चाहूँगा कि हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे जिसमें हम इनसे बात करेंगे, इनका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर उठान के साथ ऐसा ख़त्म करेंगे। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत प्रतीक्षित है कि हम चहका की बात करें, चहका शुरू किया जाए, क्योंकि भाई अब 11 बज के बज चुके हैं। स्टूडियो की तरफ से जो हमें टाइम मिलता है वो हम क्लोज कर चुके हैं। कुछ तो अपने हाथ में होना चाहिए, आज होली है इतना तो चलता है। चलिए जल्दी से चहका और उसके बाद क्या वो आपको पता चलने वाला है। जल्दी से पूछें किसी विशेष चहके की फरमाइश हो तो। शैलेंद्र कुछ और है फरमाइश जो आप एक और पूछ सकते हैं? कौन सा चहका? अच्छा चहका और सुतान दो चीजें उन्होंने बोली है। चलिए हाँ ठीक ठीक है ठीक है। ये देखिए मेरी हाथ तंग है, मेरा म्यूजिक में और इन विधाओं में मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही तंग है। मैं बीपीएल में आता हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाता हूँ इस मामले में, तो मेरी सारी गलतियाँ माफ। वैसे भी आज होली है जी। खेलो 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 शाम से भाग होरी होरी है। खेलो खेलो I'm
शाम पे बारी बारी डारो शाम पे बारी बारी हरी हरी है हरी हरी है हरी हरी है रंग डारो पीतांबर पाग हरी हरी रंग डारो पीतांबर पाग हरी हरी है खेलो खेलो शाम से भाग हरी हरी है राधा कहे चतुरी सब गोरी राधा कहे चतुरी सब गोरी कर बस पकड़ी मलो मुख रोरी कर बस पकड़ी मलो मुख रोरी होरी होरी है होरी होरी है होरी होरी है मेरे गाँव बसंती राज होरी होरी है मेरे गाँव बसंती राज होरी होरी है नंद कुंवर के सवरंग रसिया नंद कुंवर के सवरंग रसिया सुरनर मुनि सब के उर बलिया सुरनर मुनि सब के उर बलिया होरी होरी है होरी होरी है होरी होरी है हम सब के अमर सुहाग होरी होरी है खेलो खेलो शाम से भाग बिल्कुल ये था जो डिमांड पे था और वीरेंद्र ने बहुत बढ़िया गाया और उम्मीद है जिस जहाँ पे भी इस टाइम आप हमें सुन रहे हैं जिस जगह पे भी आप हमें सुन रहे हैं शायद आप भूल गए हों कि आप रेडियो पे सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं जहाँ जिस मन के साथ आपको सुनाया जा रहा है उसी मन के साथ आप सुन रहे होंगे एंजॉय कर रहे होंगे रिया
हाँ जी बिल्कुल, आई एम सो सॉरी कि मैं इतनी देर से चुप हूँ. एक्चुअली जैसे कि आपने कहा आपका हार्ट बहुत तंग है, मेरा तो आपसे भी ज्यादा तंग है. मुझे एक्चुअली डिमांड तो मैं तब करूंगी ना जब मुझे समझ आएगा, यानी ये सब चीजों से इतना रूबरू नहीं हुई हूँ मैं आज तक. सो मजा बहुत आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, सो थैंक यू वेरी मच. बट यानी डिमांड तो तब होगी ना जब पता चलेगा. एक्चुअली मुझे इन सब चीजों के बारे में बहुत बहुत यानी कम अवेयरनेस है मुझ में. ये वो ये उन्हीं उसी जनरेशन के हैं जिनकी वीरेंद्र अभी बात कर रहे हैं, जिन्हें शायद कुछ पता ही नहीं है इन सब बारों में, और हम भी उसी से हैं. लेकिन सच बता रहा हूँ कि हम जब आपके साथ यहाँ से बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, और जब ये म्यूजिक आपके साथ सुन रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करी जा रही हैं, मैं सच बता रहा हूँ वो दिन याद आ जाते हैं जब हम कभी इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करते थे स्कूल में या कॉलेज टाइम में. वक्त लगा कि मैं ये समझ पाऊँ कि हम स्टूडियो में ही हैं, ये तीनों लोग हमारे साथ स्टूडियो में हैं. स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप के जो परफॉर्मेंस आपको सुन रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस इस टाइप आप यूँ सुन रहे हैं, यहाँ पे कोई तैयारी नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई बैकअप नहीं और कुछ नहीं, बिल्कुल जो है एकदम लाइव, एकदम इसको कहते हैं नीट एंड बिल्कुल प्योर क्लीन जो आपको हम आपसे यहाँ से दे रहे हैं. वक्त आ गया कि जी. हेलो सो नरेश, मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ. लाइक हमने इतने सारे शो किए, मुझे ये वाला शो सबसे ज्यादा नेचुरल लगता है. ये वाला शो सबसे ज्यादा नेचुरल है क्योंकि बिल्कुल हम उसमें किसी एडिटिंग के साथ नहीं है, किसी कुछ म्यूजिक जो बॉलीवुड के सॉन्ग जो हम अक्सर प्ले करते हैं जो वेल परफेक्ट होते हैं, सब कुछ होता है उनमें, उसके साथ नहीं. आपको बिल्कुल रियल ओरिजिनल चीज यहाँ से लाइव दी जा रही है रेडियो पे, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आज का शो. अब बिल्कुल हमारे पास वक्त नहीं है कि और कुछ और कहें, इतना वक्त नहीं है अब. लेकिन हाँ, वीरेंद्र सिंह जरूर चाहेंगे कि अपने सुनने वालों को वो मैसेज जरूर दें, उसके बाद वो उठान से पहले अगर एक दो फरमाइश अगर पूरी कर सकें जो थोड़ा मस्ती वाले गाने हैं वो जरूर सुनाएं. और आप इस प्रोग्राम को कल शाम को ठीक 5 बजे दोबारा रिपीट ब्रॉडकास्ट में सुन पाएंगे. उसके बाद आप चाहे तो हमारे साथ यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, दिल से दिल तक का अपना यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें. वहाँ पे भी इस प्रोग्राम को आप जब आपका मन करे, जिस टाइम आपके पास वक्त हो और कुछ अच्छा सुनने का मन करे, तब जरूर आके इस होली स्पेशल को वहाँ पे सुने. 2019 की जो होली स्पेशल इस प्रोग्राम में हुई है, और एक जैसे रिया ने कहा ये स्पेशल प्रोग्राम है हमारा भी, और जो याद रहेगा क्योंकि इसमें हमने आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जो एडिटेड हो, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपके पास मिल रहा है. वीरेंद्र क्या कहेंगे, कुछ मैसेज जो सुनने वालों के लिए देना चाहते हो? बिल्कुल, हम अपनी जो पारंपरिक जो हमारे चीज़ें हैं, चाहे होली हो, अभी कल से चैता शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर सावन में कजरी आएगी, इन चीज़ों को हमें इंजॉय करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इनका हमारे पास एक कलेक्शन हो. कम से कम अगर हम बुला के नहीं करा सकते तो कलेक्शन हो. वैसे जहाँ पे दिल्ली जैसे जगह पे तो बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूँ जो समय समय पे अपने घरों में इस तरह के आयोजन करते हैं, इसी बहाने लोगों का मिलना जुलना भी हो जाता है और अपनी पारंपरिक चीज़ों से अपनी पहचान भी हो जाती है. तो हम जहाँ तक संभव हो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को साथ में लेके चले, थोड़ा सा एक अलग भी आनंद होता है और जो हमारा रूटीन है उससे थोड़ा सा हटके भी चीज़ें होती हैं. जी तो बिल्कुल, उम्मीद है आप सबको हमारा प्रोग्राम आज का बहुत पसंद आया होगा, और ये होली आपके लिए उतनी ही खास हो गई होगी. जाते जाते भी जब बहुत सारी होली कहते हैं कि शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कुछ नहीं बचता, हम होली के दिन के आखिरी के 2 घंटों में आपको बहुत कुछ दे के जा रहे हैं, ये आपको पसंद आया होगा. और अब हम इनके म्यूज़िक के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये शो आपको अगले वीक भी मिलेगा सुनने को, कुछ और लेकर आएंगे. और आज की जो होली के जो अंतिम की कुछ चीज़ें जो बची हैं, जो इसमें एक दो डिमांड जो हम चाहते हैं कि थोड़ा मस्ती के माहौल में छोड़ के जाएं और जो फिर इस होली के प्रोग्राम को जो ख़त्म करना है वो आपको सुनने का मिलेगा. और हम पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से, इन तीनों का यानी कि रवि गुप्ता, सुग्रीव और वीरेंद्र यादव तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पे ये लोग यहाँ पर आए और उन्होंने जो कुछ हमें दिया, ये शायद उन चीज़ों में से है जो आप शायद पैसों से नहीं खरीद सकते, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब पार्टीज़ करते हैं आप उसमें वो शायद डीजे मंगा ले, कुछ भी करें, आपको वो नहीं मिल पाएगा जो आज हमें यहाँ पर मिला, और उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी मिला होगा ये. तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त हमें दिया, रात के इतने लेट तक आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा है.
इसी तरह से आपकी होली अच्छी रहे, आपका जो ग्रुप है ग्रो करे, कभी रेडियो उड़ान कुछ कर पाएगा तो बिल्कुल आपके लिए, हम आपके लिए लाइव कवरेज देंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम तीनों को यानी कि रिया और मुझको और शायद शैलेंद्र को हमें दें इजाज़त, और जो कुछ म्यूज़िक की जो ब्लास्ट में कुछ चीज़ें बची हैं उनको इन्जॉय करें और होली यूं ही मनाते रहें। होली पूरे साल में एक बार आती है और इसलिए कि सारी गिले शिकवे भूल के आप दोस्तों से रिश्तेदारों से सबसे मिलें और मन के जो मैल हैं उनको धो लें। ये कलर जो आप लगाते हैं वो तो एक सिम्बॉलिक है, मुझे लगता है ज़रूरी है कि मन का मैल धुल जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। चलिए हमारी तरफ से विदा और उम्मीद शो आपको बहुत पसंद आएगा। अंतिम कुछ प्रस्तुति जो आपके लिए पेश कर रहे हैं वीरेंद्र यादव और इनके साथ दो साथी रवि गुप्ता और सुग्रीव, और ग्रुप का नाम स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप। जुड़ना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9868787835 पर। बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। मची बरसाने में है होरी, 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 भई सतरंगी चुनर कोरी, भई सतरंगी चुनर कोरी, मची बरसाने में है होरी, मची करत बर जोरी एक दूजे से, करत बर जोरी एक दूजे से, मची बरसाने में है होरी, मगन होए नाचे ब्रज की सोरी, मगन होए नाचे ब्रज की सोरी, मची बरसाने में होरी, मची बरसाने में होरी, गलियन में
चोरी तोरा मने गलियन में तोरा चोरी मने गलियन में तोरा चोरी मने अब उठान करते हैं। उठान की एक परंपरा है, जब होली को हम विराम देते हैं, मैं इसको पूर्ण तो नहीं कहूँगा क्योंकि होली स्वयं में एक भगवान कृष्ण के द्वारा हम सबको दी हुई एक लीला है और ईश्वर की लीला कभी समाप्त नहीं होती। तो विराम जब हम करते हैं गायन का तो उठान करते हैं, और ये बहुत पुराने समय से 18वीं-17वीं शताब्दी से ये चला आ रहा है। इसका उल्लेख प्रेमचंद ने भी अपने कई आंचलिक उपन्यासों में किया है। तो वो उठान करते हैं, मैं समझने के लिए बताऊं कि इसमें पहले कहते हैं कि जहाँ पे हम बैठ करके होली गा रहे हैं इस द्वार पे, द्वार बोलते हैं अब तो द्वार का मतलब दरवाज़ा होता है, लेकिन जो हमारी ग्रामीण परंपरा है उसमें द्वार बैठक को बोलते हैं, जहाँ पे पुरुष लोग बैठते हैं और आसपास के लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, जिसको आप चौपाल भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पे हम बैठे हैं जिस द्वार पे, वहाँ पे हमेशा आनंद ही आनंद रहे। और फिर कहते हैं कि अब चलना है तो चलते हुए क्या करें, जब हम चल रहे हैं तो मन में श्री सीताराम जी का ध्यान भजन करते हुए, राम जी को याद करते हुए हम यहाँ से प्रस्थान करें, इस भावना के साथ हम ये उठान कर रहे हैं। अरे सादा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेल होली, आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेल होली, मोहन खेल होली, मोहन खेल होली, मोहन खेल होली, सवरिया मोहन खेल होली, खेलावे कौन खेल रहा है, कौन खिला रहा है, के हो खेलावे घूमे थोड़ी थोड़ी, गलियों में कौन घूम रहा है, केरी घूमे थोड़ी थोड़ी, केरी घूमे थोड़ी थोड़ी, सवरिया रामा भजो सिया राम चलने की बेरिया, रामा भजो सिया राम चलने की बेरिया, चलने की बेरिया चलने की बेरिया, चलने की बेरिया चलने की बेरिया, रामा भजो सिया राम, अहे रामा भजो सिया राम चलने की बेरिया, नाम नहीं है उस
मुख को ब्रह्मा ने व्यर्थ ही बनाया है। राम नाम नहीं आए तो मुख ब्रह्मा बनाए, तो मुख ब्रह्मा बनाए, तो मुख राम नहीं आए तो मुख ब्रह्मा Yeah.